क्वेश्चन टू ऑफ एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 2। इसके अंदर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द लेमेस मेथड। यहां पर कुछ लीनियर इक्वेशंस जो है बनाने हैं, कुछ आपको सूचना दी गई है उसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, समीकरण बनाने हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसका विलोपन विधि के द्वारा सॉल्यूशन निकालना है, उसका हल निकालना है। देखिए पहले क्या है, इफ वी एड ए टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आप मान जानते हो एक होता है इसमें न्यूमरेटर ऊपर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, अंश और हर। ठीक है, तो ऊपर होता है अंश, इसका अक्ष है और वाई इसका हर है, ये वो फ्रैक्शन है। इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, यानी अक्ष के अंदर हम एड करें वन, ये न्यूमरेटर है, एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी इसमें से हम जो है एक घटा दें, ये डिनोमिनेटर है, हर में से एक घटा देते हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, ये जो फ्रैक्शन आएगा ये एक कम हो जाएगा, यानी कि अगर इसका हल हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो फ्रैक्शन जो है एक कम हो जाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो एक है। एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन की वैल्यू क्या है, एक है, क्योंकि जो फ्रैक्शन जो एक्स वाई था वो एक कम हो जाता है इसमें एक जोड़ने से, इसमें एक घटाने से, ये हुआ आपका एक। दूसरा क्या है, इट बिकम्स वन हाफ इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, अगर हम इसमें जो एक्स वाई है इसके डिनोमिनेटर में वन जोड़ते हैं, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में वन जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन हाफ इसका, एक्स वाई का आधा हो जाएगा, ये हमारे दो समीकरण हो गए। ठीक है, यहां समीकरण तो बन गए हमने, उन्होंने कहा है कि समीकरण बनाइए। अब देखिए इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ये दोनों की वैल्यू एक ही है, यानी ये ऊपर का और नीचे का बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन, इसकी वैल्यू भी वन है, इसकी वैल्यू भी वन है, x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स, ये एक्स है, ये वाई को इधर ले आओ, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो माइनस का वन है और ये इधर माइनस का वन हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, माइनस के दो हो गए, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, ये हमारा समीकरण हो गया पहला। इसमें खुदा कि आप इसके समीकरण बनाना है, यू हैव टू निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरणों का युग्म बनाइए, तो युग्म बनाइए, ये हमने बना दिया युग्म का एक पहला समीकरण, इसका बनाइए। यहां पर क्या है कि एक्स प्लस वन बराबर एक, वाई प्लस वन बराबर दो है, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए इसको आप गुणा कर दो, ये अक्ष को टू से, ऊपर वाली संख्या को दो से गुणा कर दो इसको, तो ये एक बटा एक हो जाएगा, यानी इसको आप दो से गुणा करोगे टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स, जीरो का कोई मतलब नहीं है, बराबर वाई प्लस वन। ठीक है, ये टू को इससे गुणा कर दिया और वाई प्लस वन को इससे गुणा कर दिया, तो टू एक्स बराबर वाई प्लस वन हो गया, तो टू एक्स बराबर वाई प्लस वन, या हम कह सकते हैं कि 2x, ये y को इधर ले आओ, माइनस बराबर 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। आपने एक काम तो कर दिया, ठीक है, समीकरण तो बना दिया आपने, युग्म बना दिए, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दे सॉल्यूशन, तो अब इसे सॉल्यूशन निकाल लें, तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दो, ये समीकरण एक है इसमें से दो को घटा दो, यानी यहां पर वाई, एक वाई की वैल्यू बराबर बराबर है, विलोपन विधि से करना आपको, विलोपन विधि से आपको इसको करना है, तो आप जो है इन दोनों के जो चर है एक्स वाई, इसमें एक की जो कोएफिशिएंट है वो एक होनी चाहिए, तो यहाँ वाई माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई, यानी ये बराबर, इसके कोएफिशिएंट बराबर है, तो इसमें से इसके नीचे रख दो उसको, टू एक्स माइनस वाई बराबर वन। अब इसमें से इसको घटा दो, घटा दो मतलब चिन्ह बदल दो, यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब टू एक्स माइनस के है और एक्स प्लस का, तो माइनस का ज्यादा हुआ, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, ये वाई वाई कट जाएगा,
और यहां पर क्या है, दोनों माइनस के हो गए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के तीन हो गए, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तीन। ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, अब ये जो एक्स की वैल्यू तीन आ गई, इसको आप इस समीकरण में रखिए, टू एक्स है तो यहां पर टू गुणा थ्री माइनस वाई बराबर एक, यानी सिक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, यानी माइनस वाई बराबर वन माइनस सिक्स, तो वाई बराबर क्या हो गया, दोनों ही माइनस के, ये पांच हो गया, वन माइनस सिक्स बराबर माइनस फाइव, फाइव हो गया, तो वाई बराबर पांच, माइनस पांच से माइनस माइनस के कट जाएंगे, तो वाई इक्वल टू पांच। तो अतः अभिष्ट भिन्न क्या बनेगी, हमने जो भिन्न बनाई थी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू पांच, तो ये जो है फ्रैक्शन बन गया, दिस इज दी डिजायर्ड फ्रैक्शन, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।